री यूनिवर्सिटी एक नए दिन एक खुशगवार सुबह और एक नए एपिसोड के साथ एक दफ़ा फिर से हम हाज़िर हैं जनाब आपके साथ मौजूद हैं और हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में एक नए मेहमान भी हमारे साथ जो हैं वो तशरीफ़ रखते हैं उनसे आप मुलाकात कराएँगे और बहुत सारी बातें करेंगे उनके साथ जानेंगे कि क्या होता है इस डिपार्टमेंट में क्या क्या स्पेशलाइजेस मौजूद हैं और किस तरह से आप इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन सकते हैं ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहें और हमारे साथ रहें तो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एच मैनेजमेंट साइंसेस के साथ जनाब और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आरुफ खटक अस्सलाम वालेकुम सर सलाम थैंक यू सो मच कैसे हैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया लाने का बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर मई सर आपके बहुत अर्सा हो गया पढ़ाई के साथ जुड़े हुए और दूसरों को पढ़ाते हुए और सिखाते हुए mm. अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा वापस जाएंगे थोड़ी सी मेमोरीज रिवाइज करेंगे आपके बचपन से शुरू करते हैं कहाँ पैदा हुए वाल आई बेसिकली बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट करक वन ऑफ़ द बैकवर्ड एरियाज़ ऑफ़ के पी के आई गर्न माई अर्ली एजुकेशन फ्राम के पी के और फिर uh, मैं मूव हुआ रिसालपुर में uh, मेरे बाई एयर फोर्स में थे तो मैं वहाँ पर एफ ए में दाखिला ले लिया एफ ए मैंने वहाँ से की फिर ग्रेजुएशन मैंने नौशेरा से की सो माई टिल ग्रेजुएशन आई गार एजुकेशन फ्राम के पी के दैन आई मूव टू नमल मास्टर में मैंने टू थाउजेंड में मैंने दाखिला लिया इन टू थाउजेंड टू आई कम्प्लीट इड माई मास्टर और फिर इंसिडेंटली पाकिस्तान में ज़्यादातर जो प्रोफेशन आप चूज़ करते हैं क्योंकि आप प्लान नहीं करते बिल्कुल. तो एंसीडेंटली आप आते हैं सो so एडेंटली मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में आया सो so, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो बहुत मैं इंजॉय कर रहा था बिकॉज द वे यू गेट रिस्पेक्ट इट इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर माई सो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रोफेशन को एज अ करियर एडॉप्ट किया जाए लेकिन so, कैसे सोचा कि मैं जो है वो बिजनेस एजुकेशन की तरफ जाऊँगा या एच आर पढ़ूंगा ये भी एक इंसिडेंट है मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया की मैं एक मिसाल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाँच साल बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि आपने किस प्रोफेशन में जाना अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां मास्टर भी कर लेते हैं तो उसको पता नहीं होता कि मैंने किस प्रोफेशन में जाना इनिशियली आई कम्लीट माई मास्टर कम्युनिकेशन क्लास आई रियलाइज वाई नॉट टू गो फॉर एमबीए देन आई स्विच माय फील्ड और मैंने फिर एम कर दिया फिर किसी ने कहा और भी पढ़ना है मैंने कहा और भी पढ़ना है तो एम में दाखिला ले लेते हैं आई गार एडमिशन इन एम ये इनिशियल फेज़ था जब नया नया एम स्टार्ट हुआ था पिंडी इस्लामाबाद में नमल में इन टू आई गार एडमिशन एन आई कम्प्लीटेड इन टू थाउजेंड नाइन सो ऑन द सेवन आई गार एडमिशन in पी Uh, मैं मे, मेरी मेरी जो पीएचडी है वो कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है एंड रिसर्च जो मैंने किया है वो माउंट मॉन्क्रे स्टेट यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से की है अच्छा तो फॉरेन एक्सपीरियंस भी रहा फिर वहाँ जाके कैसा डिफरेंस महसूस किया कि यहाँ पर तालीम का निज़ाम कैसा था और वहाँ पर किस तरह से डिफरेंट है वो well, uh, इस लिहाज से मैं बहरिया यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ कि बहरी यूनिवर्सिटी में मेरे चार साल हो गए और मैं कोई बारह या पंद्रह तकरीबन जा चुका हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से सो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज भी देखे हैं अंडर डेवलप कंट्रीज भी देखे हैं लेकिन जाहरी बात है हम अंडर डिवलप कंट्रीज में हैं हमारे बहुत सारी फैसिलिटीज बेसिक चीज़ें नहीं होती है जो उन ममालिक में अवेलेबल होती है अगर टैलेंट के लिहाज से देखा जाए गट सी पन के लिहाज से देखा जाए आई डू बिलीव पाकिस्तानी पीपल आर द बेस्ट पीपल ऑफ़ द वर्ल्ड बट ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज अगर वो फैसिलिटीज सारे प्रोवाइड किया जाए

मैंने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी आप फिनलैंड की मिसाल ले आप बहुत सारे ममालिकेवलप कंट्रीज़ की मिसाल ले लें उसमें जो उसके टीचर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं और उसको बाकायदा उसकी उसकी स्टूडेंट के साइकिल लेवल पर आके उसको ट्रेन करते हैं और इसको एक स्पेशल प्रोफेशन के लिए तैयार करते हैं मैं अक्सर मिसाल ऑस्ट्रेलिया की इसलिए देता हूँ कि हमारी बाईस करोड़ आबादी है बाईस करोड़ में से ग्यारह करोड़ तो है वो सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर है किसी किसी ने ने हद तक मतलब मैंने भी क्रिकेट क्रिकेट हर हर एक ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी दो ढाई करोड़ है दो ढाई करोड़ में से वो ग्यारह प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको हम शिकस्त नहीं दे सकते उसकी रीजन ये है कि वो बचपन से उनको एक फील्ड से जाता है कि इस फील्ड में जाना है हमारे यहाँ तो खेल से मना करते हैं जब वो समझ जाते हैं कि ये खेल में अच्छा है फिर चले जाओ लेकिन वो डमाडोल होता है पूरी लाइफ हमारी जो होती है ना वो स्ट्रीम नहीं होती है उसकी वजह ये होती है कि हम बचपन से स्ट्रीम नहीं होती है अब मैं आपको एक और चीज कि हमारे हम प्राइमरी टीचर कौन बनता है अनफॉर्चुनेटली वही बनता है जिसको और कोई जवाब नहीं मिलता मेरी एक दफा दादी के साथ बात हो रही थी मैंने कहा दादी और कोई अरमान है जिंदगी में क्या चाहे एक अरमान है क्या चाहे काश मेरा कोई बेटा नालायक होता तो तो में प्राइमरी प्राइमरी स्कूल स्कूल टीचर होता होता तो मैं उसके साथ रहती इट मींस कि जो सबसे नालायक बंदा है है हम उनको करते हैं स्कूल के हम लिए अपनी अगली नसल का बेसिक uh, ये हमारा डायलेमा है. एक डायलेमा हमारा ये है दूसरा डायलेमा जो है दैट इज इस्लामिक इंटरनेशनल स्पीकर मैंने उसको कहा मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि कम्युनिकेशन का पाइनियर कौन है लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूँ कि मेरा ताल्लुक करक से मेरी जो पश्तो है दैट इज नॉट स्टैंडर्ड पश्तो व्हेन आई कम टू पिशावर देन आई स्टार्ट स्पीकिंग स्टैंडर्ड पश्तो और फिर इस्लामाबाद जब आता हूँ तो मुझे पंजाबी भी सीखनी पड़ती है सराकी भी सीखनी पड़ती है पोटोहारी भी सीखनी पड़ती है अरबिक भी सीखनी पड़ती है इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है लेकिन मेरी प्रोफेशनसी किसी भी लैंग्वेज में नहीं होती

तो so, मैं क्लास का सीआर था तो मैडम ने मुझे कहा कहते है, अगर आप मैं क्लास में नहीं, नहीं तो आई <laughs> तो, है। है, दिस दिस तो, तो, <laughs> तो साथ वाला कहता है चुप हो जाओ मैंने कहा मैंने तो कोई ब्लंडर नहीं किया तुम नहीं कहते आप कहते हैं ठीक है जिसकी वजह से आपकी कैसी भी पर्सनलिटी कितना भी नॉलेज क्यों ना हो आप वो चीज अगर सही तरीके से कन्वे नहीं कर लैंग्वेज में तो आप दूसरे बंदे को इम्प्रेस नहीं कर सकते दूसरे बंदे को वो uh, उस लेवल पे जाके आप आप उससे बात नहीं कर पाते तो फिर so, जब तदरीस में आए हुँ. तो फिर कैसा लगा फिर तो बहुत मुश्किल होगा स्टूडेंट्स के साथ इस्लामाबाद आई मीन इम्प्रूवर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश ठीक है ना क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने इम्प्रेस करना है ना माजरत के साथ जो बंदा तेज़ अंग्रेज़ी बोलता है ना बस वही जो है फिर मैं प्रैक्टिस करता था फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अजीब सी बता दूँ कभी कभार मुझे लोग पागल भी कहते थे मैं एक वर्ड को हंड्रेड टाइम रिपीट करता था आई एम ठेरे भले बीजी भले बीजी आए बले बिजी आई टू रिपीट हंड्रेड टाइम ताकि मेरे ऑर्गन ऑफ स्पीच उसके साथ यूज टू हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो दूसरी चीज़ यह है कि मैं रोजाना एक नया सेंटेंस या एक नई वर्ड सीखता था और आई यूज टू रिपीट एड हंड्रेड एंड दैट्स थोड़ी बहुत प्रोफेशनसी मेरे लैंग्वेज होते हैं फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया द मेन परपज ऑफ कॉल सेंटर वॉज दैट टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपने बड़ा आदमी बनना है देन आपके अंदर दो क्वालिटीज होने चाहिए या तो आप टेक्निकली बहुत साउंड होने चाहिए देखो Uh, जवेद मी अभी तक बेचारा नहीं बोल सकता लेकिन उसकी बैटिंग बोलती है आज भी इंजमाम भी नहीं बोल सकता लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज टेक्निकली जितना वो साउंड था डॉक्टर कदीर खान कम्युनिकेशन वाइज उस लेवल का नहीं है बहुत बड़ा साइंसदान वी, फील प्राउड लेकिन उसकी उसका काम बोलता है अगर आपका काम उतना टेक्निकली यू आर नॉट दैट मच साउंड यू यू हैव हैव टू टू डू गेट लैंग्वेज लैंग्वेज में दो चीज़ें आ जाती है एक होती है रिटन कम्युनिकेशन एक होती है ओरल कम्युनिकेशन इधर यू हैव टू गेट प्रोफेशम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन और इन रिटन कम्युनिकेशन फिर आप फर्दर अगर आप चले जाए देखिए लोग दो बंदों को सुनते हैं एक ओ जिसके पास आउटस्टैंडिंग नॉलेज हो जो बात से बात निकाल सके फॉर एग्जाम्पल जाकिर नाइक जाकिर नाइक के मेरे ख्याल में नॉलेज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता या वो जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर हो बिल्कुल मैं ओबामा की मिसाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इधर किसी भी मुल्क से कोई आ जाए उसको आप एज एन ए भी एक्सेप्ट नहीं करते अनफॉर्चुनेटली भगवान दास जब चीफ जस्टिस बना था तो बहुत criticism हुई थी कि ये हिंदू हालांकि बेस्ट ठीक है ना इसी तरह कोई एम पी ए बनता है जो ओबामा किसी अफ्रीकन मुल्क से जाके वहां पे सदर बना क्या इस किस्म की चीज हमारे मुल्क में हो सकती है आई डोंट थिंक सो

हर पाँच मिनट के बाद हमारे बहुत सारे मसाइल हैं हमारे साइकोलॉजिकल मसाइल हैं हमारे सोशल मसाले हैं हमारे इमोशनल मसाइल हैं हमारे रोमांटिक मसाले हैं अनफॉर्चुनेटली टी के ना हम हमारे बहुत सारे मसाइल हैं अब उन मसाइल हर पाँच मिनट के बाद स्टूडेंट की अटेंशन डाइवर्ट होती है इन आर्डर टू डाइवर्ट हिज अटेंशन यू हैव टू गिव दम समथिंग ठीक है आपने कोई ना कोई लतीफा या कोई ना कोई बात या कोई ना कोई जोक ऐसी बात करनी है ताकि वो अलर्ट रहे वो हंसे आपकी तरफ आप उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जब उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है तब जाके वो आपको सुनेगा जब पांच दस मिनट सुनेगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ अगर आप तीन घंटे की क्लास है उसमें सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं इट वुड बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट्रेनिंग भी सी एस पी ऑफिसर जो होते हैं और हिस्सा ले चुका हूँ त्रे, काम कर चुका हूँ टीचिंग इतना मुश्किल नहीं है ट्रेनिंग बहुत मुश्किल काम क्योंकि शायद उसमें हर एज का स्टूडेंट मौजूद होता है वो भी बात होती है लेकिन Teaching me, they are bound to listen to you. Sorry. But in training, you have to make them bound to listen to me. Exactly true. That is a very very difficult task. And for example, at that time my age was twenty four year old.

मैंने कहा सर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ मेरा काम टीचिंग है मेरा काम पढ़ाना है मेरा काम ट्रेनिंग देना है अगर नहीं करूँगा तो वो मुझे अप्रीशिएट नहीं लेट्स गो अहेड लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि वो सेशन बड़ा अच्छा रहा लेकिन ट्रेनिंग के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प लेनी पड़ती है उसके बगैर आप क्योंकि बुजुर्ग आदमी है सतावन साल उम्र है उसके मसाइल उससे भी ज़्यादा होते हैं सो उसको अलर्ट करने के लिए लेकिन ये बात याद रखो कि आपने जोक भी उस लेवल पर समझाने हैं उस लेवल पे बताने मैं आपको एक दफा ट्रेनिंग दे रहा था, आ, फाटा के लोगों से मैच करती है के से बात करतो, तो मैं भी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचता या वो मेरे लेवल पे नहीं पहुंचता मैं ये नहीं कहता कि कौन अच्छा है या बुरा है लेकिन मेंटेलिटी डिफरेंट होती है तो वक्त के साथ साथ मैंने उनको दो तीन लतीफे सुनाए वो ना तो मुझे एक अजीब एम्बेसमेंट फील हो गई मैं का शायद मेरी बातों में कोई असर नहीं है फिर मैंने उसके गाँव का एक किस्सा सुनाया उनका वो किलकिला के हंसे तब जाके मैंने फील कर दिया मैंने कहा ये मेरी गलती मेरी गलती थी उनकी गलती नहीं थी क्योंकि उनके लेवल पे जाके उस लेवल का लतीफा सुनाना है तब जाके वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे देखिए बीबीए का लेवल डिफरेंट है एमबीए का लेवल डिफरेंट है एम एस का डिफरेंट है पीएचडी का डिफरेंट है ट्री डीज का डिफरेंट है तमाम लेवल पे जाके उसके मुताबिक आपने पढ़ाना भी होता है और उसके मुताबिक आपने जोक भी सुनाने होते हैं डॉक्टर साहब कुछ बात करेंगे यूनिवर्सिटी के के एक्सपीरियंस हवाले से कि चार साल हो गए आपको यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं आप अब माशाल्लाह से आप एच भी हैं तो कौन कौन से इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं कौन कौन सी हैं सही ये हमारा एक बहुत रिच डिपार्टमेंट है आ, और मैं कल की बात बता दू कि मैं स्टेटिस्टिक देख रहा था कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है तकरीबन 1700 स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है बीबीए में प्रोग्राम्स की तरफ मैं आता हूँ में अप्लाई किया हुआ है और उसमें से हमने सिर्फ 250 स्टूडेंट लेने हैं यानी बीबीए एक ऐसा एरिया है जहाँ आज आजकल मुख्तलिफ इस्लामाबाद में तकरीबन थर्टी यूनिवर्सिटीज़ है लोगों की क्लासेस नहीं बन रही है ने हमारे ने? इतना इतना टफ कंपटीशन होता है कि आप उससे सोच सकते हैं कि हमारी डिपार्टमेंट का लेवल क्या है हमारे यहां अंडरग्रेजुएट पे तीन तीन है बी एस इकोनॉमिक्स बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बी एस इकोनॉमिक्स हमारे बीबीए है 1.5 टू इयर्स फिर हमारे एमएस लेवल पे सेवन प्रोग्राम्स है एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है एमएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट है एमएस एमएस एमएसआई एमफिल एमएसआई और एमएस uh, फाइनेंस uh, और एमएस इस्लामिक फाइनेंस एंड देन वी हैव पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंसेस लेकिन अलहदुल्ला हमारे सारे प्रोग्राम बड़े सक्सेसफुली जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सपोर्ट करती है और हमारी फैकल्टी दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एनफ आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम जिसकी वजह से देखो फैकल्टी आपकी जान होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट आते हैं सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड और हमारे रिसर्च स्पेशली आर एंड डी में जो यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यूनिवर्सिटी इस लेवल पर सपोर्ट करती है सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील प्राउड

ये एक मॉडर्न फिना है और इसकी तरफ जाना भी चाहिए उसके दो रीजनस है एक तो रीजन ये है कि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हो गया है थर्टी फाइव हंड्रेड स्टूडेंट है तो थर्टी फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स को एक एच को हैंडल करना थोड़ा तो सा मुश्किल हो जाता है फ्रेंकली स्पीकिंग मैं जब के पी के जाता हूं तो एटी परसेंट जो यूनिवर्सिटीज है उनकी टोटल पॉपुलेशन भी थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव हंड्रेड नहीं होती है सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन यूनिवर्सिटी ठीक है और ये ने? सिर्फ एक कैंपस की हद तक है जी मैं सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ 3500 फाइव स्टूडेंट है तो हम एक तो ये वजह है दूसरी वजह ये है कि हम इंटरनेशनल एग्रीडेशन की तरफ जा रहे हैं डबल ए सी एस बी जो कि दुनिया की टॉप क्लास एग्रीडेशन है अमेरिका अमेरिका की और दुनिया के हर बिजनेस स्कूल की ख्वाहिश है कि उनके साथ एग्रीडेट किया जाए ताकि हमारी डिग्री इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जहाँ भी आप जाते हो ये एक्सेप्टेबल हो और उसके स्टैंडर्ड्स को हम मीट कर सकें ज़ाहरी बात है दुनिया के सबसे हाइस्ट लेवल है तो उसके स्टैंडर्ड भी उसके मुताबिक होते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं और इस लिहाज से हमारी जो टीम है इसको डीजी इस्लामाबाद कैंपस इसको हेड कर रहे हैं उसको देख के हमें जो मोटिवेशन मिलता है एवरी वन हुट दैट टीम आई मीन वर्किंग हार्ड और बिजनेस uh, स्कूल में फिर फर्दर हम डिविजन कर रहे हैं दो ए कर रहे हैं बी एम बी ए को अलग कर रही हैं इसको बिजनेस स्टडीज़ का नाम दे रहे हैं और फिर बाकी जो प्रोग्राम है बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एम एस और पी एच डी इनको हम मैनेजमेंट स्टडीज़ का नाम दे रहे हैं सो so हम फर्दर इनको दे विल भी अंडर ऑफ बिजनेस स्कूल बट सेपरेट डिपार्टमेंट्स और उसके लिए एक स्पेसिफिक बिल्डिंग भी बन गई है तो होपफुली हम इनशाला नेक्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस स्टडी का जो डिपार्टमेंट है वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा हमारा मैनेजमेंट स्टडी का डिपार्टमेंट ओल्ड बिल्डिंग में आ रहेगा आ बट बट बोथ द डिपार्टमेंट जब डिवीज़न से होप्स हो कि फर्दर बेहतरी आएगी क्योंकि जो जो एच का काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा सो वो ज़्यादा सोच सकता है ताकि क्या क्या बेहतरी हम ला सकते हैं फैकल्टी के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर क्योंकि देखिए मैनेजमेंट साइंस एक ऐसी फील्ड है Uh, जिसमें तीन चीज़ें मस्ट होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिहाज से मैं समझता हूँ वन इज वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ द बेस ऑफ मैनेजमेंट साइंस इफ़ योर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट परफेक्ट कीप इन माइंड यू कैन नेवर एवर एक्सेल इफ यू डोंट हैव फॉर एग्जांपल यू कैन वर्क हार्ड यू कैन इंप्रूव इट विद द पैसेज ऑफ टाइम लेकिन ये ही होता है सेकेंड चीज़ जो है स्मार्टनेस है ठीक है ना क्योंकि एमबीए देखिए सब्जेक्ट का इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है मैं आपको मिसाल देता हूँ जो लिटरेचर का आदमी होता है वो हमेशा रोमांटिक होता है रोमांटिक का मतलब लव से नहीं है रोमांटिक का अगर बेसिक मतलब होता है इट इज इमेजनरी वर्ल्ड एग्जैक्टली ठीक है ना इट कैन टेक यू टू द इमेजनरी वर्ल्ड बैठे बैठे आप कहोगे मैं दमाने को में पहाड़ वो दरख्त के नीचे बैठा हूँ सो इट विल टेक यू टू द इमेजनरी वर्ल्ड अच्छा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का बंदा देखो तो उसकी डिफरेंट किस्म की पर्सनलिटी खुश किस्म के होगी आई एम आई एम सॉरी नॉट ऑल ठीक है लेकिन उस सब्जेक्ट की मैं बात करूँ कंप्यूटर वाले डिफरेंट का होगा मीडिया वाले डिफरेंट टाइप का होंगे सो मैनेजमेंट साइंसिस की एक, एक एक चीज़ ये भी हो गया है, कि आपकी पर्सनलिटी ग्रोमिंग बहुत जरूरी है जो कि हमारे आ, बहरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक माहौल प्रोवाइड किया गया है एंड एवरी वन दो केम ऑल द वे फ्राम डिफरेंट

देखिए टीचिंग एक ऐसी फील्ड है कि इसमें ज्यादा अरसा रहने के बाद ना आप जब क्लास में जाते हैं ना तो पहले ही दिन आप आंखों की तरफ देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ाकू है कौन सा स्टूडेंट नहीं है किसको मैं चेड़ूंगा कौन मुझे चेढ़ेगा okay. मतलब आप हर हर एक की पर्सनैलिटी जज कर लेते हो सेम वे जब इंटरव्यू के अंदर भी आ जाते हैं लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ वही लोग लेते हैं जो कि बिल्कुल उनकी फुल फ्लैश पर्सनैलिटी हो उसका वे कम्युनिकेशन परफेक्ट हो हम उन लोगों को भी प्रेफर करते हैं जो गिलगित बलिस्तान से आते हैं जो पंजाब से आते हैं ताकि आने वाले वक्तों में हम उनकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम कर सके देखिए अगर मैं इख्तियार स्टूडेंट लेता हूँ तो फिर तो मेरा कमाल नहीं है तो ये एक बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग टास्क टास्क नहीं होता। है लेकिन हम चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करोगे देखो हम कहते हैं फलाने क्रेडिट कॉलेज के सारे स्टूडेंट ने बड़े अच्छा नंबर ले लिए सारे मेडिकल में चले गए वो लेते ही क्रीम है आप ले लें 400 नंबर वाला और उसको क्रीम बना दें ये आपका कमाल होगा सो वी गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल दोस एरिया हु आर बैकवर्ड पंजाब में हो और के केपीके में हो वो बलोचिस्तान में हो सिंध में हो जहाँ कहीं भी हो ताकि हम उसको भी ग्रूम कर सकते क्योंकि एक बंदे को ग्रूम करने से उसकी पूरी पर्सनालिटी सॉरी uh, उसकी पूरी फैमिली को आप अपग्रेड कर रहे हैं

हम एक पूरा बुक भी बनाते हैं और हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल लिंकेज भी हमारे मौजूद है लेकिन आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे कि आप किसी भी जगह पे चले जाओ इस्लामाबाद के किसी बैंक में चले जाओ किसी कॉर्पोरेट दुनिया में चले जाओ आप किसी आ, मिनिस्ट्री में चले जाओ आपको बहरिया का स्टूडेंट ज़रूर मिलेगा बाकी किसी यूनिवर्सिटी का मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये एक हमारी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ ठीक है कि हम जिस लेवल पर ट्रेन करते हैं जिस लेवल पर जाते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली सो तो हमारी जारी बात है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत हाई है पाकिस्तान में मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे हंड्रेड स्टूडेंट जो हैं वो एम्प्लॉय हो जाते हैं लेकिन अगर आप फिफ्टी

मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप सराउंडिंग यूनिवर्सिटी में देख लें कि उधर बी, -बी का हाल क्या है वहाँ पे उनकी ट्वेंटी की क्लास भी नहीं बनती हमारे पास डबल ट्रिपल ऑप्शन मौजूद है ठीक है ना कि आप सेवनटी फाइव में से टू स्टूडेंट्स ले ले और न सिर्फ बीबीए में एमबीए में एमएस में, एम में पीएचडी में 84 स्टूडेंट ने हमने सिर्फ दो स्टूडेंट लेने हैं पीएचडी में 84 एप्लीकेंट्स आए PhD के लिए सिर्फ दो की जो दो स्टुण्स स्टुण्स की जगह जगह जो 84 आए हैं फाइनेंस में हमने सिर्फ 60 students लेने हैं हैं हमारे पास तकरीबन 250 आए हुए मोर जो सर्कल है वो बहुत छोटा है अभी हम बहुत कम स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो किस तरह से मैनेज होता है बाकी वाले तो फिर डिसहार्ट हो जाते होंगे uh, yes, हो, लेकिन देखिए अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे ना तो पर फोकस नहीं कर सकोगे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक बंदा है उसके तीन बच्चे हैं तो आप सोच सकते हैं कि तीन बच्चों पे फोकस कर सकते हैं सही ठीक है ना? लेकिन अगर आपके दस बच्चे हैं बारह बच्चे हैं तो आप न तो उस लेवल पे सबको पढ़ा सकते हैं न उस लेवल पे लेके जा सकते हैं ठीक है ना सो so, मैं मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हमें क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए क्वान्टिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए मतलब मैं आपको एक मलेशिया की यूनिवर्सिटी की मिसाल देता हूँ कि वहाँ उन्होंने कहा था कि पाँच स्टूडेंट जो हैं वो हमने फॉरन स्टूडेंट्स लेने हैं जैसे तैसे भी हो जो भी बंदा अप्लाई करता है बस उधर ये दाखला हो जाता है एक सुपरवाइज़र के पास जो कि एच ई सी करता है पांच स्टूडेंट है एक सुपरवाइज़र के पास पच्चीस स्टूडेंट है एक सुपरवाइजर तो उसकी क्वालिटी आप चेक कर लो क्या आप उस लेवल पर जा सकते हैं आप फोकस कर सकते हैं आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं नहीं दे सकते हमारी क्लास स्ट्रेंथ जो है वो थर्टी स्टूडेंट है जो कि पिंड इस्लामाबाद में किसी भी यूनिवर्सिटी की नहीं है एक एक क्लास में थर्टी स्टूडेंट हम लेते हैं यानी हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट के ऊपर हम फोकस करें उसको इंपॉर्टेंस दे दे उसको वैल्यू करें

क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है हमने उसको डिग्रेड नहीं करने दिया दूसरी बात यह है कि हमारी लोकेशन ऐसी है कि हमें मेन हेड ऑफिस सारे अवेलेबल है तो वो चीज़ नहीं है तीसरी बात यह है कि चूंकि हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर ग्रूम होते हैं

रिसेंटली हमने जॉब अनाउंस किए थे 500 हंड्रेड एप्लीकेट्स आए हुए थे इसमें से 150 फिफ्टी प्योरली डॉक्टर्स थे और वो पिंडी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं बट दे हैव ड्रीम टू जॉइन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज द फैसिलिटीज विच और यूनिवर्सिटी आर प्रोवाइडिंग जो रिसर्च के हवाले से हैं जो मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है एंड थिंग आई टेल यू इन और यूनिवर्सिटी इज दैट और डिपार्टमेंट इज ट के अगर बात की जाए तो क्या अपने लिए कुछ वक्त मिलता है जैसे आपने जिक्र किया था स्टार्ट में लिटरेचर पढ़ाया आपने तो कुछ लिटरेचर से इंटरेस्ट है कुछ रिवाइव करते हैं अपनी मेमोरीज को कभी लिटरेचर का तो टाइम नहीं मिलता फ्रेंकली स्पीकिंग क्योंकि ये रिसर्च का दौर है कि आप जिस फील्ड में चल पड़ते हैं तो वहाँ पे आपको मूव करना पड़ता है क्योंकि अगर आप इधर उधर जाते हैं तो फिर लोग आपको क्रॉस कर लेते हैं सो so, मैं आ, बहरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन उससे पहले मेरी तकरीबन फिफ्टीन टू सिक्सटीन कॉन्फ्रेंसिस थी इंटरनेशनली लेकिन उसके बाद मैंने कॉन्फ्रेंसिस पे बड़ा फोकस किया 15 में 2015 में हमारी यूनिवर्सिटी से सिर्फ दो बंदे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे और आ, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था फिर आ, कस्ट में माजू में ओल्ड नेम माजू न्यू नेम एजास्ट का वहाँ पर रहा था तो वहाँ पर रिसर्च का बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी तो हमने इधर मैंने और डॉक्टर रियाज साहब डायरेक्टर पीजीपी हमने एक ट्रेनिंग कंडक्ट कर दी अपने फैकल्टी के लिए कि कैसे आप लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस को हेट कर सकते हैं कैसे जा सकते हैं एंड यू माइट नाट बिलीव कि दो में सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्रेंसेज ट्रेवल ग्रांट्स लिए है वो बहरी यूनिवर्सिटीज़ ने लिए

देखो दुनिया में कभी भी शॉर्टकट कभी कर नहीं है हम हमेशा कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट है डू वर्क हार्ड बाकी जो किस्मत मेले का होता है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुंतखब किया होता है वो भी होता है लेकिन माँ बाप की दुआओं के, के बगैर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते बेशक ठीक है तो जनाब आज हमें बहुत सारे तजर्बात सुनने को मिले और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे आज के मेहमान ने हमारे साथ शेयर किए उम्मीद करते हैं कि आपने भी आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा कि यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी एक नए अपीसोड में एक नए मेहमान के साथ